Welcome to Bong Mumbai Live. Subscribe, like and press the bell icon. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप सब कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का वेदर है बहुत रेनी एंड मॉर्निंग शुरू हो रहा है सुबह के चाय से। ये है मोचा, इतना बड़ा है मेरे हस्बैंड ने जो लाए है, इतना बड़ा। और ये एक दिन में ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, या तो ये दो दिन मतलब दो बार में या तो तीन बार में मैं बनाऊँगी। तीन दिन होगा शायद से ये, और हम लोग तीन दिन का फैमिली, कितना छोटा फैमिली है। और बाहर जब बारिश का साउंड हो रहा है, बारिश का मौसम बहुत ही मतलब बहुत जोरों शोरों से बारिश हो रहा है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी हो। सो आपको ये पत्ती खोलना है जो लीव्स है, इसे खोल कर ये जो फ्लावर है इसे लेना है। एंड इसका जो फ्लावर का अंदर का जो मेल टाइप है ना, इसे निकाल देना है। एंड इसके अंदर ये स्टिक टाइप भी होगा, ये मैच स्टिक टाइप रहता है, सो इसे भी निकाल लेना है। ये अगर दोनों नहीं निकालोगे तो ये मतलब मोचा का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, प्लस ये बहुत ही स्टिकी स्टिकी आपको लगने वाला है, वो आप खा भी नहीं सकते और डाइजेस्ट करने के लिए भी प्रॉब्लम होगा। सेम मैं सब कर लूँगी और करके फिर मैं इसको बॉयल करने के लिए रखूँगी। मैंने कटिंग कर ली हूँ फ्लावर्स को निकाल कर, जितना हो सकता था उसका मैंने स्टिक्स एंड ये नील स्टैप ये निकाली हो, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प किया है, अकेले से इतना बड़ा था होता नहीं है। सो अब ये बचा है, सो इसको मैं अभी निकाल नहीं सकती हूँ एक एक करके, सो इसको मैं अभी काट लूँगी छोटे छोटे पीसेस में। एंड अब इसका ये जो स्किन है ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा, ये मतलब एकदम अंदर का है ना तो एकदम नरम नरम होगा। ये हम लोग नहीं खाते क्योंकि ना ये बहुत ही कड़क होगा बनने के बाद। ये इतना वेस्टेज निकलता है मगर इसका खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मोचा काटने से पहले हाथ में और छुरी में सब जगह तेल लगा लेना चाहिए, वरना हाथ भी काला काला भी हो जाता है एंड वो चिपचिप भी करता है क्योंकि ये कम छोड़ता है। तो ये काटने के बाद भी इतना फ्रेश है कि अभी तक इससे जूस निकल रहा है। थोड़ा काट के हो गया है एंड इसे मैं अच्छे से धोकर अब इसमें रख दूंगी एंड इसमें पानी डालकर मैं एक बार बॉइल कर लूंगी थोड़ा सा नमक देकर। तो यहाँ पे एक बार बॉईल हो गया, अब मैं ये बंद कर दूँगी और ये छान लूँगी। सो ये बॉईल करने से ना इसमें जो गमी रहता है ना वो निकल जाता है, तो इसीलिए एक बार बॉईल कर लेना बेस्ट है। सबसे पहले मैंने तेल गरम कर ली, इसमें मैंने तेज पत्ता दे दी एंड हरी मिर्च, साथ में अभी दूँगी ये आलू, इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी सबसे पहले। तो ये मैंने हाफ हाफ करके डिवाइड कर ली हूँ और ये आलू फ्राई हो गया है एंड जो मैंने डिवाइड कर दी ये मैं इसमें दे दूँगी और इसे फ्राई करूँगी और इसे मैं अच्छे से पैसे के डिप फ्रिज में रखूँगी। अगर मैं आज करूँगी तो रात को निकाल के मैं इसका कुछ बनाऊँगी या तो मैं कल बनाऊँगी, तो डिप फ्रिज में रखने से ये ख़राब ही नहीं होगा। तो अभी अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें मैंने ये चना भिगो के रखी थी कच्चा चना, तो ये मैं दे दूँगी। साथ में जो मसाला है ये धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, नमक और थोड़ा सा शक्कर, ये मैं ऐड कर दूँगी। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं इसमें पानी दूँगी और इसे बॉयल होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर बर्तन है, ये मैं साफ़ कर लेती हूँ, मतलब मेरा मोचा बन रहा है। अच्छे से पक गया है, अब लास्ट फिनिशिंग टच है जो मैं ये गरम मसाला दूंगी थोड़ा सा एंड घी देकर मैं इसे ढक के रखूंगी, मतलब थोड़ा सा गरम गरम ऐसे ढक के रखूंगी मिक्स करके, तो और भी अच्छे से टेस्ट आएगा।
मुरझा हो गया है एंड दाल भी बॉयल हो गया है। आप इसे फ्राइज करूँगी और दाल में तड़का दूँगी। तो अब मैं रेडी होकर जा रही हूँ शुभ्रतों को लेने के लिए, क्योंकि शुभ्रतों को अभी भी क्लास से मैं छोटी जाती लेने जाती हूँ, तो अभी लेने जाना है, तो रेडी हो जाइए। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ रेनकोट पहन कर, क्योंकि मैं जब रेडी हो रही थी तभी बारिश नहीं हो रहा था, अभी फिर से शुरू हो गया। तो रेनकोट पहन कर जाना है, बाइक में जाऊँगी तो आखिर वक्त रिक्शा से जब आऊँगी तब मैं चादर लेकर आऊँगी, अभी मुझे रेनकोट पहनना ही पड़ेगा। सो अब मैंने ये प्रॉन्स का ग्रेवी बना ली हूँ रात के लिए, क्योंकि अब मैं ये सब बनाने के बाद खाने के बाद मैं निकलने वाली हूँ अपना डांस प्रैक्टिस के लिए, एंड डांस प्रैक्टिस के वहाँ पे टाइम लग जाता है, फिर आते वक्त लेट भी हो जाता है, फिर आकर बनाकर खाना और भी लेट हो जाता है। तो सुबह सुबह शुभ्रतों को जल्दी उठना पड़ता है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि 10 o'clock तक वाइंड अप करके उसे सुला दूँ। तो इसीलिए मैं आज ये ग्रेवी बना ले रही हूँ, एंड ये प्रॉन्स का ग्रेवी जो है इसे मैंने पहले प्रॉन्स को अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, फिर जो मसाला है उसे अच्छे से फ्राई करके उसमें पानी डाल के अब मैं ढक के रख दे रही हूँ। अब मैं आटा भी गूंथ लूँगी ताकि रात को आके मुझे सिर्फ रोटी बनाना पड़े एंड सब कुछ रेडी रहे। सो ये वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।